गाइस उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे बाद में से। गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम, मेरे साथ हैं कोमल। पाक से रिएक्शन में आप सब लोगों को खुशामदीद। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो करें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है 11 प्रूफ ऑफ रामायण। ऐसे प्रूफ है जिससे पता लग जाएगा जी रामायण ओरिजिनल है कि नहीं। और अगर आप चाहते हैं हम रामायण पर और वीडियोस करें तो हम ज़रूर उस पर वीडियोस करेंगे। नीचे कमेंट्स में बताना, हम ज़रूर इस पर रिएक्ट करेंगे। आज हम देख लेते हैं 11 प्रूफ ऑफ रामायण। रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम सब पढ़ते हुए आए हैं कि कैसे रावण ने सीता माता का हरण किया और बाद में रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध हुआ और कैसे रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको रामायण के वो पुख्ता सबूत दूंगा जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। साथ ही क्या आप जानते हैं कि आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है। सारे ही राजों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 11, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हगगला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में वो पर्टिकुलर जगह जहां माता सीता को रखा गया था उसको सीता एल्ले के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सारे ही लोगों को हैरान करती है वो है यहाँ के वृक्ष यानी कि पेड़। रामायण में यह बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत आयत में थे। अजीब बात यह है कि जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था ये हेगगला बॉटनिकल गार्डन सेम वैसे का वैसा ही है। है ना ये रामायण का एक पुख्ता सबूत। फैक्ट नंबर 10, रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था जिसके कारण वो जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है क्योंकि आज केरल के कोलम की उसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पंछी की मूर्ति बनाई गई है जिसे आज स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वो पार्थ थे जिन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। है ना सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि श्रीलंका के सिंघाना शहर में वीरांगन टोटा नाम की एक जगह है जिसका मतलब होता है विमान उतरने की जगह। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट यही वो जगह है जहां रावण ने सीता जी का अपहरण करने के बाद अपना पुष्पक विमान उतारा था। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास 4 अत्याधुनिक हवाई अड्डे थे जिनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में नूवरा एल्या नाम की एक जगह भी है जहां पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही इस मंदिर के पास ही एक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान भी किया करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने अपना कदम रखा था। यह पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर भी ठीक वैसे ही पैरों के निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास चट्टानों पर मिले थे। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने ना सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही चौंकाया बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को हैरान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की जिसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में यह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इंडिया से लंका एक पुल के माध्यम से गए थे जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से यह पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर
मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है, जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार करने योग्य माना जाता था, लेकिन एक चक्रवात के कारण ये राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है। हैरानी की बात यह थी कि जब नासा की एक सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की फोटोग्राफ खींची तो राम सेतु उस सैटेलाइट की इमेज में भी देखने को मिला। शायद आप ये नहीं जानते कि नासा भी ये स्वीकार कर चुका है कि इस क्षेत्र में वास्तव में एक सेतु था जो इस दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। अब इतने सारे कोइंसिडेंट्स होना थोड़ा तो मुश्किल लगता है, फिर भी राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं? हालांकि इनकी क्वांटिटी अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी पर तैरते हैं। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहां रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका में जाकर जुड़ा था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन तैरते हुए पत्थरों पर बहुत से तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया है कि वास्तव में ये पत्थर इतने भारी होने के बावजूद भी पानी में नीचे क्यों नहीं डूबते। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाद के द्वारा मूर्छित कर दिए गए थे और उनकी जान जाने ही वाली थी, तो उनकी जान को बचाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को पूरा का पूरा ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय के उस क्षेत्र में आज भी हनुमान जी को नहीं पूजा जाता है? वहां के जो लोकल लोग हैं वो ये मानते हैं कि हनुमान जी उनके क्षेत्र से संजीवनी जैसी अमृत बूटी श्रीलंका ले गए थे, इसलिए वो लोग हनुमान जी को आज भी नहीं पूजते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीलंका के उस क्षेत्र पर जहां रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वहां आज भी एक ऐसा पर्वत है जिसके सभी गुण व जड़ी बूटी हिमालय के पहाड़ों के समान है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर वो पर्वत इकलौता ऐसा पर्वत है जिसके गुण हिमालय से मिलते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने से रावण बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था? उसको डर था कि हनुमान जी दोबारा हमला ना कर दें, और इसीलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा कट्टू गाला में रखा था। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंकन पुरातत्व विभाग को कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो कोंडा कट्टू गाला से रावण के महल को सीधा जोड़ती थी, और इन गुफाओं में ऐसी शिल्पकला भी मिली है जिससे लगता है कि इन गुफाओं में किसी स्त्री को रखा गया था। फैक्ट नंबर 3, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि लंका के जलने के सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है? जी हाँ, रामायण के अनुसार जिस जगह पर लंका को जलाया गया था आज वहां की मिट्टी काली है, जबकि आसपास की अगर आप मिट्टियों पर नजर डालेंगे तो वह अपने स्वाभाविक रंग की है। ये सच में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 2, रावण शिव जी की आराधना किया करता था, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने श्रीलंका में भी भगवान शिव के लिए एक मंदिर की स्थापना की थी जिसका नाम कोडेश्वरम मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उसके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। एक बात जो हमें हैरान करती है वो ये है कि भगवान शिव का श्रीलंका में मंदिर का होना और उस मंदिर में रावण की भी आकृतियों का होना, यानी एक बात साफ है कि भगवान शिव, रावण, श्री राम और माता सीता का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था जिसको झुकलाया नहीं जा सकता, और ये अपने आप में रामायण का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। क्या आपको पता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसको रामायण काल का ही माना जाता है? इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग केंद्रों से जोड़ते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च में यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये रास्ते या फिर जिनको गुफाएं कहा जाए वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इनको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। अब अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो एक बात यहां पर हम सभी को चौंकाती है।
श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और क्षण भर में ही उन हिस्सों से वो गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ये मानती है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल उस समय किया करता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट तो ये भी मानती है कि इनमें से काफी गुफाएं तो साउथ अफ्रीका तक भी जाती हैं। तो दोस्तों ये थे रामायण के वो पुख्ता सबूत जिनको जानने के बाद ये सिद्ध होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में आज भी रावण का शरीर एक गुफा में मम्मी बनाकर रखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को भी कवर किया जाए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को इनके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यार बड़े कमाल फैक्ट्स थे यार, सारी बड़े जबरदस्त फैक्ट्स थे और सारी प्रूफ दे रहे थे कि वाकई रामायण जो है पीछे हो गुजरी होगी और सारे इंसिडेंट मोस्टली कवर श्रीलंका में ही हुए थे। हाँ, सब भी श्रीलंका में ही थे क्योंकि श्रीलंका में ही रावण जो है उधर रहता था और वही वहाँ पे ही सारा उनका सीन था और वो जो ब्रिज जुड़ा था वो भी इंडिया टू श्रीलंका ही जुड़ा था और वो फ्लोटिंग स्टोन्स यार वो बड़ी चीज है कि वो भारी होने के बावजूद भी वो जो ऊपर रहते हैं पानी में तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। तो बड़ी जबरदस्त थी ये फैक्ट्स थे और वो बर्ड वाला जो था, हाँ बर्ड वाला भी था, हमने ना ये पहले देखा था, हमने वो ये जो पूरा स्टैचू है ना, ये पूरा स्टैचूज वाली वीडियो में देखा था ये वाला स्टैचू, हमें बहुत ज्यादा ये पसंद आया था। हमने कहा था कि ये क्या चीज है, हाँ, ये मतलब कि किस चीज का, इसके पीछे भी कुछ होगा। और अब हमें पता लगा कि वो जो है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आया था ये बर्ड, उसका एक पंख नहीं है। बाकी वो स्टैचू में भी उनका एक पंख नहीं था ना, स्टैचू में भी एक पंख नहीं था। तो बड़ी जबरदस्त वीडियो थी यार, मुझे तो सारे प्रूफ ही ओरिजिनल लग रहे हैं, सारे प्रूफ जो वहाँ पे मिले हैं कि वो जमीन काली थी। अभी भी श्रीलंका में वो रावण की मम्मी बना के रखा हुआ है। तो यार ये बड़ा तो अगर आप चाहते हैं रामायण पे और वीडियोस करें तो नीचे कमेंट जरूर करना, कमेंट डाउन बिलो, वी विल रिएक्ट ऑन रामायण जरूर हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 2 3